सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है और मैं बल्लोपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सबको गवाही बताऊँगी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को चंगाई दी। ये गवाही मेरे बच्चे की है जिसकी गर्दन में एक साल से गांठ थी और मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि इसकी गर्दन में रसौली है, भी आपको किसी और डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और इसको दिमागी दौरे की बुखार की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इसको दौरा पड़ता था। और जब इसको दौरा आता था इसके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती थी और इसके हाथ पैर मुड़ जाते थे। डॉक्टर ने कई बार इसको अम्बाला में एडमिट करवाया। डॉक्टर ने बोला भी आप इसको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि पूरी ज़िंदगी इसको दवाई खानी पड़ेगी और इसको ये प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जब मेरे बेटे का ऐसी प्रॉब्लम होती थी तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे क्योंकि इसकी पढ़ाई भी ख़राब होती थी। काफ़ी दिन ना स्कूल भेजते थे और हमें टेंशन होती थी कि क्या होगा इसका, क्योंकि इसका शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता था। हमें कभी कभी ये लगता था भी इसकी शायद याददाश्त ना चली जाए क्योंकि इसको बिल्कुल मालूम ही नहीं होता था ये क्या करता था। बस जहाँ पढ़ा है बस चुपचाप ना बोलता था। हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी भी हम क्या करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा था घर में और वैसे भी सबको टेंशन हो जाती थी। लेकिन हमने बहुत सारी दवाइयों की वजह से भी कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर बोलते थे कि इसको दिमागी बुखार की वजह से शरीर सुन्न पड़ जाता था। फिर वो मतलब इसको कोई चूटी वगैरह काट के देखते थे भी इसका शरीर सुन्न है। उसके बाद डॉक्टर ने एक बार तो जब इसको पहली बार हुआ था डॉक्टर ने बोला था कि हम 24 घंटे देखेंगे, अगर तो नॉर्मल दौरा हुआ तो मैं गारंटी लूँगा इसकी, अगर कोई डेंजरस हुआ तो मैं इसकी गारंटी नहीं लूँगा क्योंकि मैं 24 घंटे देखूँगा। अगर इसको दोबारा ऐसी प्रॉब्लम हुई तो फिर आप जहाँ चाहते हो अपने बच्चे को ले जा सकते हो। फिर हमने 24 घंटे में देखा, फिर इसको 4 घंटे बाद होश आया। 4 घंटे बाद इसको थोड़ी सी इसने आँखें खोली, 4 घंटे मेरा बेटा बिल्कुल बेहोश रहा। उसके बाद इसको 12 घंटे बाद फिर ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई, फिर डॉक्टर ने बोला भी अब मैं दूसरा चांस हो चुका है, अब मैं एक बार लास्ट देखूंगा, अगर तीसरी बार ऐसी प्रॉब्लम हुई तो आप इसको जहां चाहते वहां ले जा सकते हो, भी मैं आपके बच्चे की गारंटी नहीं लूँगा। उसके बाद उसके प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर ये 6 महीने तक ठीक रहा, उसके बाद फिर इसको यही प्रॉब्लम हुई। इसको 4-5 बार ऐसी प्रॉब्लम हुई। फिर किसी ने मुझे सुनोली चर्च के बारे में बताया और उसके बाद मैं वहाँ सुनोली चर्च में गई। उसके बाद मैंने अपने बच्चे के लिए प्रेयर करवाई। मम्मा प्रोप्सी करती थी कि गांठें जा रही हैं और दिमागी बुखार की जो प्रॉब्लम है वो जा रही है, मैं अपने बच्चे के लिए उस गवाही को रिसीव करती थी, उस प्रोप्सी को, और मैं अपने बच्चे के लिए प्रेयर करती थी। और 3 महीने हो गए मेरे बच्चे की गर्दन की जो गांठ है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। बिल्कुल मैंने किसी डॉक्टर से दवाई नहीं ली लेकिन वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। और जो दिमागी बुखार की प्रॉब्लम थी, और मम्मा ने इसके सिर पे हाथ रख के प्रेयर की थी और मम्मा ने बोला था कि आज के बाद ये बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज के बाद इसको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 6 महीने हो चुके मेरे बच्चे को, बुखार तक भी नहीं आया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है और आज हम लोग बहुत खुश है। इसको कोई दवाई नहीं इसको दे रही मैं, कुछ नहीं दे रही, लेकिन मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल अच्छे से स्कूल जाता है, खेलता है, खाता पीता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे बच्चे को चंगाई दी। और मैं मम्मा का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे बेटे के लिए प्रेयर की और आज हम बहुत खुश हैं कि मेरा बेटा चंगा हो चुका है। जब से हम लोग चर्च जाने लगे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल चंगा हो चुका है। अब हमारे घर में खुशी है, कोई बीमारी नहीं है, हम सब लोग बहुत खुश हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ सबको जय मसीह।